फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेडीज नाइट ट्राउजर की कटिंग बताएंगे और इसके बाद इसकी स्टिचिंग बताएंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं कटिंग करना। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर कपड़े में से आराम से बन जाता है, लेकिन ये मेरा 2.25 मीटर कपड़ा है। जो ज्यादा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, और फोल्ड करके मैंने ये डबल कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से लंबाई हम तैयार 38 रखेंगे, तो हम 38 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 2 इंच की अलग से बेल्ट लगाएंगे, तो हम जितना हमारा तैयार है उतने पे हम निशान लगाएंगे। और 2 इंच हम यहाँ से नीचे से मोड़ने के लिए लेंगे, नीचे से फोल्ड होगा और यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम 12 इंच के निशान लगाएंगे बेल्ट का। यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमारा 14 इंच है, तो 2 इंच के हम अलग से बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे हम 12 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम निशान को सीधा कर देंगे। यहां से हम 14 इंच रखेंगे। अगर आपकी लूजिंग ज्यादा हो तो आप और ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। देखिए 16 इंच है, 16 का आधा हम 8 पे एक बीच में निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम मोरी रखेंगे दोनों साइड में। मोरी हमारी 7 इंच तैयार है, तो 3.5 हमारी मोरी आएगी और आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, 4 इंच पे लगाएंगे। दोनों साइड में हम 4-4 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहां से इसमें थोड़ी गुलाई देंगे इस तरीके से। यहां से हम यहां तक थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरीके से। ये हमने नीचे मोड़ने के लिए लिया है और यहां तक हमारी लंबाई आएगी, ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आसन का निशान आएगा और यहां से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। अब हम इस तरीके से कुछ निशान लगाएंगे। आपकी लूजिंग ज्यादा हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से तिरछा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो जब हम फोल्ड करते हैं तो ये हमारा कम पड़ जाता है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट हम 2 इंच की लगाएंगे। हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। आधा इंच से कट करेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है कट के, और अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है, चौड़ाई इसकी 11 इंच है। देखिए नाइट ट्राउजर में बैक और फ्रंट दोनों सेम होते हैं। ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब सीधी साइड को हम पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे
और इस तरीके से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने पॉकेट को सिल लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और नीचे की साइड पॉकेट पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए पॉकेट पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट है। यहां से हम 2 इंच तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 2 इंच तक सिलाई लगाएंगे और फिर ये 6 इंच को हम छोड़ देंगे। फिर यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और एक सिलाई मैंने इस पॉकेट के ऊपर यहाँ पे लगाई है। अब इस तरीके से देखिए ये हमारी पॉकेट बन गई है। इस तरीके से इसी तरीके से दूसरी साइड को भी मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से लेना है और दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने आसन पे सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। यहाँ पे अब हम ये बीच की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई। देखिए यहाँ पे ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है इस तरीके से यहाँ तक। और ये सिलाई आपको डबल सिलाई लगानी है। यहाँ आसन पे भी डबल सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी डबल सिलाई लगानी है। अब इसकी हम नीचे से मूरी को फोल्ड करेंगे। तो हमको इस तरीके से मूरी फोल्ड करनी है। इस तरीके से हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी तुरपाई कर सकते हैं सुई से, और आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं ये मशीन से सिलाई लगाऊंगी। देखिए दोनों साइड की मोहरी को मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब इसको सीधा करेंगे और इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। देखिए इस पे हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने बेल्ट ले ली है और बेल्ट को आप इस तरीके से नाप लीजिए। डबल करके मैंने इसके बराबर ले लिया है जो चारों तरफ बेल्ट आ जाएगी। अगर आपकी बेल्ट कम पड़ती है तो इस तरीके से जॉन्ट लगा लीजिए। मैंने भी इसमें जॉन्ट लगाया है। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। ये मैंने इलास्टिक ली है। इसको हम इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी तो एक सिलाई हम पहले यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये आसन से हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ से इस पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हम इसी तरीके से पूरी बेल्ट को इस पे सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से बेल्ट पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये जॉइंट कर ली है मैंने बेल्ट। अब यहाँ पे मैंने इसको खुला छोड़ा है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हमने सुई में बांध लिया है इसको। अब इसमें हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से इस कपड़े के बराबर रखेंगे और दोनों साइड से कपड़े के बराबर रख के हम इसको इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं, और इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से टाइट खींच कर इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं बीच में, और आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। और इसमें देखिए दोनों साइड में हमने पॉकेट लगाई है इस तरीके से, और ये एकदम कंप्लीट है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।